आपको पता है, एज लॉन्ग एज यू बिलीव दैट यू हैव अ चॉइस इन द मैटर्स, योर इंटेलिजेंस फंक्शंस कंसिडरेबली वेल. जी हाँ, जब तक हमको लगता है कि चीज़ें तनावपूर्ण पर नियंत्रण में हैं, तब तक हमारी सोचने समझने की शक्ति बनी रहती है. लेकिन जहाँ ऐसा लगा कि चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं है, या वी आर एट द मर्सी ऑफ सर्कमस्टांसेस और अदर पीपल, तो इस परसेप्शन का हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग पर एडवर्स इम्पैक्ट पड़ता है. चाहे घर हो या ऑफिस, इस समझ की एब्सेंस में हमारी इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल स्किल्स की क्वालिटी गिरती है. तो आइए देखें एक सिचुएशन और फिर बात करेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में इस कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी पर. क्या हुआ अपूर्व, इतने अर्जेंटली क्यों बुलाया? इट्स ऑल गॉन निखिल, वी आर फिनिश्ड. व्हाट? क्या बोल रहा है? व्हाट हैपेंड? वीसीज ने कंपनी की अगले राउंड की फंडिंग रोक दी है. एंजल टेक इज ऑल्सो थ्रेटनिंग टू पुल आउट. वर्किंग कैपिटल ऑलमोस्ट निल है. वी आर नेक डीप इन ट्रबल निखिल. कब हुआ, कैसे हुआ ये? आई डोंट नो निखिल, प्रॉब्ली हम ही नहीं देख पाए. सो नाउ व्हाट? एंजल टेक ने मेल में क्लियर शर्तें भेजी है. If you won't accept their terms, they will make the move. कुछ तो बोल निखिल. We'll be laughing stock, Apurva. And end of an entrepreneurial dream. तो फिर क्या करें? Angel Tech की शर्तें मान ले. We have no other choice. इससे पहले बात कंपनी और मार्केट में फैले. Beggars can't be choosers, Apurva. I'm completely clueless. You're right. We have no choice in the matter now. So what went wrong here? आपने देखा, निखिल अपूर्व से कह रहा है दे आर नाउ बेगर्स एंड नॉट चूजर्स, और अपूर्व उस बात को मानते हुए कह रहा है कि दे इंडीड हैव नो चॉइस इन द मैटर नाउ. वेल, लेट्स अप्लाई सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड कि ऐसा मानना क्यों सही नहीं है. अगर हम अपने ब्रेन को देखें तो पाएंगे कि कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग हमारे एक नहीं तीन ब्रेन्स हैं. ये तीन ब्रेन्स एक दूसरे के ऊपर लेयर्स की तरह होते हैं. सबसे नीचे वाला ब्रेन स्टेम सर्वाइवल से रिलेटेड फंक्शंस इंश्योर करता है. बीच का लिम्बिक सिस्टम इमोशंस का सेंटर होता है, और सबसे ऊपर वाले कॉर्टेक्स से इंटेलिजेंस रिलेटेड फंक्शंस आते हैं. नीचे के दोनों ब्रेन्स रिएक्टिव होते हैं और लगातार अपनी इम्पल्सेस ऊपर भेजते रहते हैं, जिनके इंटरफेरेंस के साथ ही तीसरे ब्रेन को काम करना पड़ता है. और इसलिए हमारे इमोशनल सेंटर लिम्बिक सिस्टम के अराउजल का हमारी इंटेलिजेंस के सेंटर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की वर्किंग पर बहुत इफेक्ट पड़ता है. लेकिन लिम्बिक अराउजल के कॉर्टिकल फंक्शनिंग पर असर के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट पॉइंट न्यूरोसाइंस एक्सपर्ट एमी अर्नस्टन बताती हैं. इन हर वर्ड्स, नो मैटर हाउ अराउज्ड लिम्बिक सिस्टम इज, लॉस ऑफ प्रीफ्रंटल फंक्शन ओनली अकर्स व्हेन वी फील आउट ऑफ कंट्रोल. जी हाँ, अगर हमें ये इल्यूजन भी है कि वी आर इन कंट्रोल, तो भी आर इंटेलिजेंस एंड अदर कॉग्निटिव फंक्शंस आर प्रिजर्व्ड. Yes, more than circumstances, it is the perception of choice that matters to the brain. आइए अब अपनी सिचुएशन पर वापस चलते हैं. निखिल और अपूर्व लाफिंग स्टॉक बनने और अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम के टूटने वगैरह का सोचकर ऑलरेडी अपने लिम्बिक सिस्टम को बहुत अराउज कर चुके हैं. उस पर अगर वो हताश होकर चॉइसलेस भी महसूस करने लग जाएंगे, तो देयर प्रीफ्रंटल कॉर्टिकल फंक्शनिंग विल डिमिनिश. This way, they'll not be able to analyze the situation and will take wrong decisions and actions. Jaisa ki maine shuruaat mein hi kaha tha, as long as you believe that you have a choice in the matters, your intelligence functions considerably well. It's amazing, isn't it? Social and emotional intelligence ki understanding se
हम अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितना कुछ गलत करने से बच सकते हैं और इसे प्रॉपरली सीख कर कितना कुछ सही कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली बार।